सत श्री अकाल देश दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं नविता लैके हाजिर हाँ। देश विदेश दी अहम सरगर्मियां शुरुआत करते हैं पहली खबर के नाल। अमरीका के रूसी हमले खिलाफ लड़ाई के मदद लई यूक्रेन नू 3.75 अरब डॉलर तो वध दी वाधू फौजी सहायता देने का ऐलान किया है, जिस दे नाल यूक्रेन नू दित्ती जाण वाली कुल अमरीकी फौजी सहायता वध के 24.9 अरब डॉलर हो गई है। हालिया सहायता विच पहली बार यूक्रेनी फौज लई 50 M2A2 ब्रैडले पत्थरबंद वाहन शामिल किए जाएंगे। अमरीकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन ने कहा है कि अति आधुनिक उपकरणों के नाल लैस यह पत्थरबंद वाहन एक इन्फेंट्री बटालियन के लिए काफ़ी हैं। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की सी। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा कि 2023 के पहले हफ्ते में अमरीका यूक्रेन अपने यूरोपी सहयोगियों भाईवालों के नाल खड़े होने के अपने विचार से दृढ़ता के नाल डटे रहे। 3.75 अरब डॉलर की नवी फौजी सहायता का ऐलान किया। अमरीका के वर्जीनिया सूबे में एक 6 साल बच्चे नू अपने स्कूल दे विच एक अध्यापका नू गोली मारन दे दोष विच हिरासत दे विच लिया गया है। शुक्रवार नू पहली जमात दे विच पढ़ते इस विद्यार्थी का अध्यापका दे नाल विवाद होया सी। न्यूपोर्ट न्यूज सिटी पुलिस अते स्कूल प्रबंधन ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि रिचनेक एलीमेंट्री स्कूल दे विच गोलीबारी की घटना दे विच हालांकि कोई विद्यार्थी जख्मी नहीं होया। न्यूपोर्ट न्यूज़ दे पुलिस मुखी स्टीव ड्रू ने दस्या कि अध्यापका की उम्र 30 साल है ते गोली लगन कारण वह गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गई। हालांकि बाद दोपहर तक उन्हां दी हालत दे विच सुधार होया। ड्रू ने पत्रकारों नूं कहा कि गोलीबारी की घटना कोई हादसा नहीं सी, विद्यार्थी ते अध्यापका एक दूजे नूं जानदे सन ते किसी गल नूं लैके दोवां विचाले विवाद होया सी। उन्होंने कहा कि बच्चा क्लास के हथियार लेके आया सी अते जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कोल हथियार कित्थों आया है। थाना मुखी ने हालांकि इस संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी नहीं दी है। टोरोंटो की रहने वाली टीना सिंह ने एक अजिहा शलाघा योग काम किया है जिस दे नाल सिख बच्चे आसानी नाल साइकलिंग कर सकते हैं। दरअसल टीना सिंह के बच्चे साइकलिंग करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कई तरह के हैलमेट ट्राई किए पर कोई भी हैलमेट उन्होंने सिरों से सुरक्षित ढंग के नाल फिट नहीं होता सी। 3 बच्चों की मां टीना सिंह ने CBC टोरोंटो नू दस्या कि मेरे बच्चों ने जूड़ा रख्या होया, इस दे लई जो भी वह साइकिल चलाउण दे लई बाहर जाते हैं तो वह हैलमेट पाते हैं पर उन्होंने कुछ भी ठीक तरह फिट नहीं होता सी। वह जानती सी कि एक चंगी तरह फिटिंग साइकिल हैलमेट होना कितना जरूरी सी। उन्हें अगे कहा कि मैं निराश सी कि मेरे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स हैलमेट के कोई सुरक्षित विकल्प नहीं सी। वह अपने बच्चों के केस भी नहीं कटाना चाहती सी, जिसनों वेखते हुए टीना ने खुद अजिहा हैलमेट तैयार किया जिसनों सिख बच्चे सिर पर जूड़ा सजा के भी पहन सकते हैं ते खेडां दे विच सुरक्षित ढंग दे नाल हिस्सा ले सकते हैं। चीन ने COVID-19 संबंधी सरकार दीयां नीतियां दी आलोचना करन वाले 1000 तो वध आलोचकां दे सोशल मीडिया खातियां नूं मुअत्तल जां फिर बंद कर दिता है। सीना वेइबो जो कि चीन दा ट्विटर वर्गा ही एक प्लेटफॉर्म है, दा कहना है कि उसने माहरां बुद्धिजीवियां ते सेहत कर्मचारियों ते हमले समेत 12,854 उलंघणावां नूं हल कीता है ते 1,120 खातियां ते अस्थाई जां स्थाई तौर पर पाबंदी लगाई गई है। जिक्रयोग है कि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पाबंदियां एकांतवास के नियमों के वड्डे पद्धर से टैसटिंग मैडिकल जगत के माहिर की राय के आधार से जायज ठहरा रही थी पर पिछले महीने सरकार ने अचानक कोविड के नाल संबंधित सारिया पाबंदियों के ढिल दे दी, जिस कारण फिर तो संक्रमण के मामले तेजी के नाल वधने शुरू हो गए सन। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी सीधी आलोचना की इजाजत नहीं देती है और प्रगटावे की आजादी से सख्त पाबंदी लगाती है। वेइबो ने वीरवार को जारी किए एक बयान दे विच कहा सी कि कंपनी जांच जारी रखेगी और हर तरह की गैर कानूनी समगरी आदि को हटाएगी और ज्यादातर उपभोक्तावां दे लई एक सद्भावना वाला माहौल बनाएगी। ईरान ने कहा कि उसने विरोध प्रदर्शन दौरान एक अर्ध सैनिक बल के जवान के कतल मामले के दोषी ठहराए गए 2 व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है। ईरान की न्यायपालिका ने फांसी दिए गए लोगों की पछाण मुहम्मद करमी और मुहम्मद हुसैनी वजों की है। महिसा अमीनी की मौत बाद सितंबर तो शुरू हुए प्रदर्शनों दौरान हुण तक 4 लोगों को फांसी दी जा चुकी है।
पश्चिमी उत्तरी पाकिस्तान दे विच पोलियो टीकाकरण कर्मचारियों के दल नूं सुरक्षा दे रहे पुलिस मुलाजमान के वाहन से पाबंदी बंदूकधारियों ने हमला कर दिता, जिस दे विच पांच पुलिस मुलाजम जख्मी हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने दस्सिया है कि वीरवार को पुलिस का दल कोल दे ही एक टीकाकरण केंद्र वल जा रहा सी, तां 6 तों 8 शकी अतवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा दे डेरा इस्माइल खान जिले दे विच इक पुल दे नेड़े गोलियां दे नाल उन्हां ते हमला कर दिता ते फिर गोलीबारी भी शुरू कर दिती। इस हमले दे विच 5 पुलिस मुलाजम जख्मी हो गए ते जवाबी कार्रवाई दे विच इक हमलावर भी जख्मी हो गया। अतवादी अपने जख्मी दोस्त नूं लैके फरार हो गया। इस हमले की अजे किसी भी अतवादी संगठन ने जिम्मेवारी नहीं ली है, पर हाल ही दे सालां दे विच अतवादियों ने पोलियो कर्मचारियों के दल से लगातार हमले किए ने। जम्मू कश्मीर पुलिस की सूबा जांच इकाई यानी SIU ने वीरवार को खेतर दे विच अतवादी कार्रवाइयों के नाल संबंधित एक मामले में कुपवाड़ा जिले के 8 थावां ते छापेमारी की। SSP कुपवाड़ा युगल मनहास ने कहा कि एक कार्रवाई जिले के अंदर सरगर्म अतवादी तत्तां अते इकोसिस्टम नूं खत्म करन दी दिशा दे विच एक कदम है। उन्होंने कहा कि 8 अतवादियों के शक्की रिश्तेदारां दे रिहायशी घरां दे विच तलाशी ली गई, जो नजायज रूप दे नाल LOC पार करके अतवादी रैंकां दे विच शामिल हो गए हैं, जो हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर अते जैश मुहम्मद आदि वर्गे पाबंदशुदा अतवादी संगठनां दे नाल संबंधित हैं। मुढ़ली जांच मुताबक यह अतवादी सरगर्म रूप दे नाल साजिश रचण अते अतवादियों की घुसपैठ नूं सौखा बनाउण, हथियारां अते गोला बारूद की सप्लाई करन तों इलावा साइबर स्पेस की वरतों करन तों इलावा कश्मीरी नौजवानों नूं अतवादी रैंकां दे विच शामिल करन दे लई पैसा इकट्ठा करन दे विच शामिल पाए गए ने। जम्मू कश्मीर विच हड चीरमी ठंड जारी है। श्रीनगर अते कश्मीरी वादी दे होर प्रमुख हिस्सों दे विच रात दे तापमान दे विच गिरावट आउण दे नाल ढल झील अते पानी दे कई होर सोमे जम गए ने। श्रीनगर दे विच मंगलवार रात घटो घट तापमान -5.2 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया है। गुलमर्ग नूं छड्ड के पूरे खेत्र दे विच घटो घट तापमान दे विच गिरावट दे नतीजे वजो श्रीनगर अते होर थावां ते स्थित पानी दे भंडारां ते बर्फ की मोटी परत जम गई। इन्हां दे विच चुंटी खुल दे नाल मशहूर ढल झील भी शामिल है। दूजे पासे हिमाचल प्रदेश के कबायली जिले लाहौल स्पीति दे विच खून नूं जमाउण वाली ठंड पै रही है। तापमान फ्रीजिंग पॉइंट ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਚੰਦਰਭਾਗਾ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸੋਮੇ ਜੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 6.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਨ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ April ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਤਦ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।